Assalamualaikum. आज हम बनाएंगे एक बहुत ही चॉकलेटी, बहुत ही फजी पीनट बटर की ब्राउनीज. इसको बनाना इंतहाई आसान है. मैं आपको बताऊंगी वो सारी बेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक अ परफेक्ट ब्राउनी इन योर ओवन. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर रेसिपी. ये रेसिपी आज हम बनाएंगे ऑलिव ऑयल के साथ. अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं मौजूद है तो आप कुकिंग ऑयल रेगुलर जो हम इस्तेमाल करते हैं लाइक सनफ्लावर कैनोला जो भी आपके पास मौजूद है आप उससे भी बना सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बटर के साथ बनाएं तो ऑयल को रिप्लेस कर दीजिए बटर के साथ और आपकी ब्राउनी तब भी बन जाएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी को. सबसे पहले बाउल में ऐड करेंगे हाफ कप ऑलिव ऑयल. जब आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने पॉमेस ऑलिव ऑयल लेना है. एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत कम होता है तो आपने वो इस्तेमाल नहीं करना. ऑयल के अंदर अब हम ऐड करेंगे 200 ग्राम्स ऑफ कैस्टर शुगर. कैस्टर शुगर आपकी रेगुलर शुगर होती है लेकिन उसको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं तो जो कैस्टर शुगर होती है ये भी आपको ईजी मार्केट से अवेलेबल है. लेकिन अगर आप चाहें तो घर में भी इसको बना सकते हैं. ऑयल और कैस्टर शुगर को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए तकरीबन 23 मिनट. मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अपनी बेकिंग प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस लेकर और उनको हमेशा कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है. इसकी वजह यह है कि बेकिंग इज अ कंप्लीट साइंस. अगर आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगी 100% सही नहीं होगी आपको कभी भी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो इसीलिए बेकिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो आप लेंगे बहुत आसानी से हर जगह से मिल जाता और इतना महंगा भी नहीं होता. ऑनेस्टली साथ में फिश और स्पैचुला इसके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए बेकिंग स्टार्ट करने से पहले. और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन फॉर एग्जाम्पल नहीं है अच्छे से साफ सफा करके वो भी बहुत अच्छा शेक कर. प्रॉब्लम और आंसर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ऐड कर दूँगी जो कि मेरा रीसेंट पॉडकास्ट है ट्विटर पर. इससे मैंने एक घंटे सारी बेकिंग प्रॉब्लम्स और फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया कि बेकिंग प्रॉब्लम्स के सलूशन कैसे निकालते हैं. उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. ऑयल एंड शुगर हो चुकी है विस्क. अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 whole eggs. एग्स को तब तक बीच करना है जब तक इसका कलर लाइट येलो ना हो जाए. आप देख सकते हैं कि एग्स का कलर भी लाइट येलो सा हो गया है और ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है. नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 70 ग्राम्स फ्लावर. फ्लावर भी मिक्स हो चुका है. अब इसमें ऐड करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि कोको पाउडर. ऐड करेंगे तकरीबन 25 ग्राम. बेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए कि आप प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स के अंदर अच्छे इंग्रेडिएंट्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए. फॉर एग्जांपल बटर के ऊपर कभी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ना ही कोको पाउडर चॉकलेट इनके ऊपर आपने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. पाउडर मिक्स हो चुका है. अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर एंड 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा. ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट्स है और इसको यूज़ करने से पहले इसकी एक्सपायरेशन डेट जरूर चेक करें. बेटर
तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, वो है पीनट बटर। ये बेसिकली चंकी पीनट बटर है। चंकी पीनट बटर के अंदर पीनट शामिल होती हैं। अगर आप चाहें तो चंकी की जगह स्वर्ल भी ले सकते हैं, चंकी भी ले सकते हैं, जो सा आपके पास मौजूद है आप वो यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। पीनट्स आई को सो इसको हम अभी आप देख रहे होंगे कि ये बहुत हार्ड है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून मिल्क ऐड करेंगे और इसको माइक्रोवेव कर लेंगे फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स, ताकि ये बिल्कुल मेल्टिंग फॉर्म में भी आ जाए और थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाए। चलो इसको मैं माइक्रोवेव करके लाती हूँ। तारा पीनट बटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। ब्राउनी का बैटर अब हम पोर करेंगे अपनी बेकिंग डिश में। लेट मी जस्ट शो इट दैट ब्राउनी को बेक करने के लिए मैंने इस तरह की डिश चूज़ किया है। इट्स अ ग्लास डिश। ये तकरीबन 8x9 inches की डिश है, ओवन प्रूफ डिश है। सबसे पहले मैंने इसको ऑयल के साथ ग्रीस किया, उसके ऊपर मैंने ये बेकिंग पेपर, पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर जो मौजूद है आपके पास उसको लगा लीजिए, और उसके बाद फिर से आपने इसको ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस। बेकिंग पेपर हमेशा आपने ज़्यादा बड़ा इस्तेमाल करना है, ताकि जब ब्राउनीस बेक होकर आ जाए तो इसको निकालने में बहुत आसानी हो। डिश के अंदर आप ब्राउनी का बैटर पोर कर देते हैं। डिश को रखेंगे यहाँ पर। ऑयल की ब्राउनीज की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये ब्राउनीज ज़्यादा देर के लिए स्टे कर सकती हैं, गर्मी हो या सर्दी हो। ये हमेशा सॉफ्ट रहेंगी, इवन इफ अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करते हैं तो। बटर की ब्राउनीज हमेशा हार्ड हो जाती हैं, उसको माइक्रोवेव करना पड़ता है, क्योंकि बटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी बहुत लो है, और साथ में उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो है। ऐसे कामों में ऐसी छोटी छोटी बातें जो होती हैं। ब्राउनी का बैटर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ओवरऑल डिश में, ताकि ये इक्वली बेक हो सके। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 3-4 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर। ये बिल्कुल इस तरह से ऐड करेंगे, कहीं कहीं पर ड्रॉप्स डालेंगे इसके। पीनट बटर वैसे भी खाना हेल्दी होता है, इट्स फिल्ड विद फैट्स, तो अपने बच्चों को ये रेसिपी बनाकर ज़रूर खिलाइएगा, इट्स रियली गुड फॉर देम। बिल्कुल इस तरह से पीनट बटर के डॉलप्स डाल दिए। अब स्क्यूअर की मदद से इसको फैला दीजिए। अगर आपके पास स्क्यूअर नहीं है तो आप नाइफ ले लीजिए, टूथपिक ले लीजिए। इस तरह से हम इसका डिज़ाइन बना देंगे। इस तरह से इसका डिज़ाइन बना लीजिए, स्वर्ल्स बना लीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे पीनट्स। पीनट बटर हो और एक्स्ट्रा पीनट्स ऐड। ब्राउनी का बैटर बिल्कुल तैयार है, अब बारी है इसकी बेकिंग की। इसको बेक करेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 15-18 मिनट्स के दरमियान में। अगर आपको थोड़ी सी केकी ब्राउनी चाहिए तो आप बेशक 20 मिनट्स तक भी इसको बेक कर सकते हैं, अदरवाइज 18-20 मिनट्स आर मोर देन एनफ। चलो इसको फिर बेक करते हैं। ताड़ा, देखिए कितने मजे की बेक हुई। ओह माय गॉड, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। इट ओनली लुक्स ब्यूटीफुल, इट्स स्मेल्स अमेजिंग एज़ वेल। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे बहुत बेताबी से इंतज़ार होता है। और यस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।